दरभंगा में पुजारी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इधर इसकी आंच राजधानी में भी महसूस की गई। सियासी गर्मी बढ़ गई। मौका विपक्ष को मिला तो विपक्ष ने जंगल राज के सहारे सरकार को घेरा और अब सरकार विपक्ष के आरोपों की सफाई देने में जुटी है। उधर मृतक पुजारी के बेटे ने आरोप लगाया है कि नशेड़ियों ने उसके पिता की हत्या की। दरभंगा में पुजारी की हत्या पर सियासी बवाल। राजधानी में गरमाई जंगल राज पर राजनीति। विपक्ष ने खोला मोर्चा तो एनडीए का पलटवार। जिन शब्दों से विपक्ष को एनडीए आज तक सुशोभित करता आया है, आज उन्हीं शब्दों के जाल में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को फांस लिया है। जी हां, दरभंगा में नौमी के दिन जो खूनी खेल हुआ उसे लेकर आरजेडी ने वर्तमान शासन को जंगल राज करार दिया। तेजस्वी ने लिखा, नौमी के दिन दरभंगा के कंकाली मंदिर के मुख्य पुजारी राजीव झा की बदमाशों ने हत्या कर दी। बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध की गंगा बह रही है। प्रतिदिन प्रदेश में सैकड़ों हत्याएं होती हैं, लेकिन कोई जंगल राज नहीं बोलेगा, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के दुशासनी राज में हेडलाइंस मैनेजमेंट जो है। तेजस्वी के इस ट्वीट से जेडीयू बौखला गई तो करारा जवाब आरजेडी से मिला। बिहार को जंगल राज के उस दौर से बाहर निकाला था जब अपराध और अपराधी फलते फूलते थे, सत्ता संरक्षित अपराध हुआ करते थे। हमारी सरकार की प्राथमिकता है क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति, अपराधियों के साथ कभी समझौता नहीं किया जा सकता। नवमी में के दिन अगर एक पुजारी की जिस तरह से गोली मार करके हत्या की गई है, यह एक सनसनी न्यूज है और यह जो है से जेडीयू और एनडीए के शासन का जंगल राज की यादगार दिलाता है। तेजस्वी के इस हमले से जेडीयू तो तिलमिला गई, जंगल राज के शब्द बाण को बीजेपी भी बर्दाश्त नहीं कर सकी, तुरंत ही पलटवार कर दिया गया। भी जो एक दुखद घटना घटी है, निश्चित रूप से जो भी अपराधी रहे हैं उनको मालूम है तेजस्वी यादव जी को कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार में उनकी सरकार में क्या अंतर है। हमारी सरकार में अगर अपराधी ने अपराध किया तो उसको मालूम है कि उसकी जगह केवल जेल होगी। साधु संतों की हत्या तो राम राज नहीं कहलाएगा, ये रावण राज कहलाएगा। क्यों इस राम राज में साधु संत महंत की लगातार हत्या हो रही है। उधर दरभंगा में पुजारी के बेटे ने आरोप लगाया कि नशेड़ियों ने उनके पिता की जान ली है, क्योंकि मंदिर परिसर में नशेड़ियों ने जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया था और उनके पिता ने इसका विरोध किया। और इस मोहल्ला में हमेशा मतलब 10-20 लड़का यहाँ पे बैठ गया, हमेशा शुरू से नशा करते आ रहा और सब मतलब यहाँ पे लेडीज का आना, ये वो आना, गाड़ी मंदिर के आगे लगाना, नशा करके भर भर रात उधर ही रहना, हल्ला वल्ला करना, ये सब करता था। इसीलिए पापा कई बार रोके उन सबको। हाल के दिनों में बिहार में क्राइम का ग्राफ तेजी से चढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं, लेकिन सरकार किसी भी आंकड़ों को स्वीकार करे तब न माने। सरकार को न नीति आयोग की रिपोर्ट पर यकीन है न एनसीआरबी के आंकड़ों में, तो फिर लाख चिल्लाते रहिए, बिहार में तो बाहर